हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो आज हम जो है ये यूपी टेट के बारे में है, जो है कुछ चीजें जो है मैं आपको बताऊंगी सो यूपी टेट यूपी का जो है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जैसा हमारा सी टेट होता है वैसे ही यूपी टेट होता है लेकिन कई बच्चे जो यूपी से बिलोंग करते हैं स्पेशली उनके लिए यूपी टेट ज्यादा कंफर्टेबल होता है एज कंपेयर टू सी टेट राइट बच्चों का ये ओपिनियन है दो का भी वही है, uh, है है, उतना ही seated को को दी जाती में जितना UP, UP -Tet को दिया जाता है. But then again, जो हमारे UP board के बच्चे हैं, uh, उनके लिए जो है हिंदी uh, बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए जो यूपी टेट देना ज्यादा आसान लगता है सी के कम्पेरिजन में और राइट अब यूपी टेट की बात यह है कि बोला तो जाता है कि हर साल यूपी टेट होगा लेकिन पिछले तीन ऑलमोस्ट तीन साल से जो है हमारे एग्जाम्स नहीं हुए हैं यूपी टेट के ऑलराइड आखिरी एग्जाम हमारा 2021 में हुआ था उसके बाद हमारे एग्जाम्स नहीं हुए हैं एंड अब वापस से जो है ये काफ़ी ज्यादा न्यूज में आ रही है रीजन बिंग इलेक्शन है यू नो इट के इलेक्शन आने वाले हैं एंड हर बार का रिकॉर्ड होता है कि यूपी में जो है इलेक्शन से पहले पहले जो है हमारी टीचर्स की वेकेंसी आती हैं राइट टीचर्स एंड पुलिस की वैकेंसी आती है पुलिस की हो चुकी है तो टीचर्स की नोटिफिकेशन जो है वी आर एक्सपेक्टिंग इट कॉज ऑफ मेनी मैं पहले बता दूं कि UPTED के जो है जैसे हमारे seated में पार्ट वन एंड पार्ट टू वैसे ही पेपर वन एंड पेपर टू होते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के हाल ही में जो उन, उनका उन्होंने जो हमें बताया है व्हाट वी वो ऑर्डर इज दैट कि जो बीटीसी हैं वो बच्चे जो हैं आपका पेपर वन देंगे और बीएड के बच्चे जो हैं वो पेपर टू देंगे बीएड के बच्चों को पेपर वन नहीं देना है बीएड के बच्चे सिर्फ और सिर्फ पेपर टू देंगे बीटीसी के बच्चे जो हैं वो आपके पेपर वन पेपर टू दोनों दे सकते हैं इज नो विद दैट एंड बीएड के बच्चों के बच्चों पास सिर्फ और सिर्फ पेपर टू है जो उनको देना होता है और राइट सो हाउ वापस से जो है न्यूज में आया है एंड न्यूज में क्या बताया गया था सो दो हजार में सॉरी दो हजार में कुछ वेकेंसीज आई थी राइट यूपी टीचर्स के लिए तो उस टाइम पे जो है 68,000 वैकेंसीज जो है फिल हो चुकी थी कर दी गई थी लेकिन 22,000 वैकेंसीज जो है बच गई थी वेकेंट रह गई थी वो सीट्स बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इनफ क्वालिफाइड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स ना होने की वजह से जो है उस टाइम पे जो है बाईस हजार वेकेंट सीट रह गई थी और उसके बाद जो है अभी हाल ही में हमें पता चला है कि फिफ्टी वन थाउजेंड जो है टीचर्स के लिए सीट्स खाली हुई हैं विदिन इन ये 2018 के बाद एग्जाम्स हुए नहीं हैं जिससे जो है टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स हो सो so, तब से लेके अभी तक में 51000 जो है हमारे कुछ सीट्स 51000 सीट्स जो है वेकेंट हो गई हैं एंड 22000 पहले से जो है वेकेंट रह गई थी पिछले एग्जाम में ऑलराइट सो लगभग हमें ये बताया गया है कि ऑलमोस्ट दिस इज व्हाट वी आर एस्टिमेटिंग कि कहीं ना कहीं 60000 वैकेंसीज का जो है हमारे पास एक एग्जामिनेशन uh, की बात उठेगी वैकेंसीज हैं सो वी विल बी डूइंग इट नेक्स्ट रीजन क्यों ये बात उठ रही है कि एग्जाम uh, जो है इलेक्शन uh, से पहले ही जो है हमें हमारे पास सब कुछ नॉलेज होगा हमारे पास सब कुछ होगा रीजन बीइंग कि ये जो नया आयोग जो है वो दैट विल कम इन टू पार इन फेब्रुअरी एंड ये ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो भी हमारे नए जो एग्जाम है और राइट अः चाहे वो यूपी टेट हो या यूपी के जो एग्जाम वो ये नया आयोग एक बार पावर में आ जाए उसके बाद जो बनना स्टार्ट हो जाएगा एक बार नया आयोग टेक ओवर कर ले तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग इन फेब्रुअरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में कि हमें नोटिफिकेशन कुछ तो मिलेगा रिलेटेड टू टीचर्स इन यूपी और राइट सो दिस इज इट अब मैं एक चीज कुछ चीजें आपको बता दू एक चीज मैं आपको बता दू की यूपी टेट का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है और राइट इसका पैटर्न क्या होता है right, कुछ चीजें हैं पहला है चाइल्ड ये पेपर वन है ये बीटीसी के बच्चे देते हैं ये जो है यूपी ये जो है बीएड के बच्चों को देना नहीं है और राइट एज पर द रिसेंट न्यूज कि हमें जो है बीएड के बच्चों को जो है ये पेपर नहीं देना है बीटीसी के बच्चे ये पेपर देंगे तो इसमें क्या 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 पैटर्न में आता है क्या क्या सेक्शन आते हैं पहला है हमारा एज वी ऑल डू No, uh, राइट right? अगला है लैंग्वेज वन लैंग्वेज वन जो है हमारी हिंदी होती है इसमें थर्टी क्वेश्चन होते थर्टी मार्क्स के देन लैंग्वेज टू में हमारे पास ऑप्शन है इंग्लिश उर्दू एंड संस्कृत का राइट लैंग्वेज टू में ऑप्शन है इंग्लिश उर्दू एंड संस्कृत का कुछ बच्चे है जो है वो संस्कृत लेना पसंद करते हैं ज्यादातर बच्चे एंड बाकी के जो है वो इंग्लिश के लिए प्रेफर करते हैं और राइट लैंग्वेज टू भी थर्टी मार्क्स uh, का है फॉर थर्टी क्वेश्चन और राइट अगला है मैथमेटिक्स अगेन थर्टी क्वेश्चन फॉर थर्टी मार्क्स ईवीएस जो हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज है थर्टी क्वेश्चन फॉर थर्टी मार्क्स ऑल ओवर वन फिफ्टी क्वेश्चन है 150 मार्क्स के लिए है और 150 मिनट्स का है ऑलराइट right? 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स एंड 150 मिनट्स ये है पेपर 1 ऑलराइट ये है पेपर वन जो बीटीसी के बच्चे देते हैं पेपर टू जो हमारे बीएड के बच्चे देते हैं बीएड के बच्चे जो एलिजिबल हैं उनके लिए पहला अगेन चाइल्ड पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 सवाल होंगे 30 मार्क्स के लिए अगला है लैंग्वेज वन ये भी जो है कम्पल्सरी है हिंदी है लैंग्वेज वन में ऑप्शन नहीं है सो ये है आपका थर्टी क्वेश्चन थर्टी मार्क्स का अगला है लैंग्वेज टू लैंग्वेज टू में इंग्लिश उर्दू और संस्कृत ये तीन ऑप्शन है इन तीन ऑप्शन में से कोई एक चुना जाता है बच्चे संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक चुनते हैं उर्दू काफी कम लोग बच्चे जो है चुनते हैं तो लैंग्वेज टू में हमारे पास है इंग्लिश उर्दू एंड संस्कृत तीस क्वेश्चन है तीस मार्क के लिए इनमें से कोई एक जो आप सब्जेक्ट चूज करोगे उससे रिलेटेड थर्टी क्वेश्चन होंगे अच्छा अब जो है हमारे पेपर टू में जैसा ये वो बच्चे हैं जो बीएससी या फिर बीए बीकॉम ऐसे कुछ करके आए हुए बच्चे होते हैं तो इनके पास ऑप्शन होता है या तो बीएससी वाले जो है वो साइंस लेते हैं जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स और साइंस का जो है एक कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं 30 uh, 60 राइट right. इसके क्वेश्चंस होते हैं सिक्स या तो फिर आप साइंस लोगे या तो आप सोशल स्टडीज लोगे ठीक है जो साइंस के बच्चे होते हैं जिन्होंने बीएससी की होती है वो ये कॉम्बिनेशन लेते हैं पे मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन में सवाल आते हैं सात सवाल आते हैं नहीं तो फिर नहीं तो फिर अगर बी ए किए हुए बच्चे हैं तो वो ये वाला पार्ट चुनते हैं ये है आपका सोशल साइंस सोशल स्टडीज का पार्ट ठीक है ये सोशल स्टडीज का पार्ट आपका इसमें सारा पॉलिटी जोग्रफी हिस्ट्री सब कुछ आता है ये साठ मार्क का होता है साठ क्वेश्चन आते हैं साठ मार्क के लिए इन दोनों में से कोई एक ही लिया जाता है बीएससी के रहे हुए बच्चे मैथ्स एंड साइंस लेते हैं बी एस सी बी ए बी कॉम वाले बच्चे जो है यूजअली सोशल स्टडीज लेते हैं ठीक है तो मिला के इन सबको मिला के वन फिफ्टी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर बनता है वन फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं और वन फिफ्टी मार्क्स वन फिफ्टी मिनट्स होते हैं ठीक है थीके? तो ये था हमारे एग्जाम का पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम का पैटर्न बता दिया लगभग जो हमें आइडिया है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो टाइमिंग बता दी कि कब तक होगी एक लमसम जो है आइडिया दे दिया कि कितने वैकेंसीज आने चाहिए और राइट ये एक आइडिया है ये एक तुक्का है मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस हिसाब से तो ये सब कुछ ही बता दिया और यूपीटेट के बारे में जो है मैं वीडियो लेकर आऊंगी टिल देन थैंक यू सो मच